आओ बच्चों तुम्हें सुनाए कहानी एक कमाल की। स्वागत है आप सभी का स्टोरी टाइम ट्यूसडे में। अबे आज ट्यूसडे ट्यूसडे है क्या? आज वेडनेसडे है आज। अरे वो मेरा भूता निकल गई। वो कुछ कारणवश एक दिन लेट हो गए। खैर स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये बात है उस जमाने की। तो आज की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है। तो आज की हमारी स्टोरी की स्टार कास्ट है मेरी मम्मी, मेरी बहन, हमारे ब्लॉक में रहने वाली 4 नंबर वाली आंटी। एक्चुअली जिस अपार्टमेंट में मैं पहले रहता था वहां पे सबको उनके घर के नंबर के हिसाब से बुलाते थे, तो हम 5 नंबर में रहते थे तो हम 5 नंबर वाले, और 4 नंबर वाली आंटी जो थी वो हमारी स्टोरी की मुख्य विलन है। इसके बाद 8 नंबर वाली आंटी सपोर्टिंग रोल में और 25 नंबर वाले अंकल मुख्य कैरेक्टर। तो ये थी हमारी मल्टी टैलेंटेड स्टार कास्ट। अब ये बात बहुत पुरानी है, होली के आसपास का टाइम था। मैं और मेरी बहन आसपास के मोहल्ले वाले बच्चों के साथ खेल रहे थे। अब हम बच्चे अपना मस्ती में खेल रहे हैं कि थोड़ी देर में मेरी बहन से आधे फुट की दूरी पे एक गमला आके गिरता है। मतलब तुम मानोगे नहीं, वो गमला इतनी पास गिरा उसके कि अगर वो थोड़ा सा साइड में खड़ी होती तो कुछ भी गलत हो सकता था। अब ये गमला जो था वो 4 नंबर वाली आंटी के घर से गिरा था। उनका घर टॉप फ्लोर पे होता था। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो मेरी बहन इतनी जोर से चिल्लाई कि मम्मी भी घर से बाहर आई, उन्होंने देखा क्या हुआ है। तो इसके बाद मम्मी ने 4 नंबर वाली आंटी के घर की घंटी बजाई। अब यार कहना नहीं चाहिए लेकिन 4 नंबर वाली आंटी जो थी ना वो पूरे अपार्टमेंट में बदनाम थी। वो बहुत यार शी वॉजेंट अ गुड लेडी। वो बहुत ज्यादा लड़ाकी थी, वो बहुत गालियां देती थी, वो लिहाज नहीं करती थी कि बच्चा है बड़ा है। वो सुनाती थी, बहुत सुनाती थी। उसने मुझे सुनाया हुआ है, उसने आस पड़ोस के सब हर बच्चे को सुना रखा था। मतलब वो काफी ज्यादा अजीब अच्छी मतलब सही नहीं थी यार वो लेडी। एंड वो छोड़ो, मैंने तो उसको अपने खुद के बच्चों को पीटते हुए तक देखा हुआ है, तो तुम समझ जाओ कि क्या ही होता होगा। तो जैसे ही मम्मी ने उसके घर की घंटी बजाई, वो बालकनी में आई, तो मम्मी ने उसको बोला कि यार आपके घर के ये गमले जो आपने टांग रखे हैं ये अभी मेरी बेटी के सर पे लग सकता था, कोई भी इंसिडेंट हो सकता था, कुछ गलत हो सकता था। तो एज अ पेरेंट मेरी मम्मी कंसर्न शो कर रही थी कि यार आप उन गमलों को जो आपने हवा में टांग रखे हैं उनको आप जमीन पे रख दो, नहीं बाय चांस सच्ची में उसके लग जाता, कल को कोई और खेल रहा होगा किसी और के सर पे लग जाएगा, तो आपके आप थोड़ी सी अकल लगा सकते हो। लेकिन वो 4 नंबर वाली आंटी, मैंने तुम्हें बताया वो कैसी थी, उसने गालियां देनी शुरू कर दी। उसने लिटरली माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी। वो सामने से कहती है लग जाता तो लग जाता, लगा तो नहीं ना, दिमाग मत खराब करो, और गालियां दिए जाए। इसके बाद दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई और 4 नंबर वाली आंटी जो थी वो अपने घर से नीचे उतर आई। अब वो आंटी इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, इतना हल्ला मच रहा था कि आस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे। और 4 नंबर वाली आंटी जो अभी तक अपने सिर्फ मुंह से अपशब्द बोल रही थी, अब वो मारपीट पे उतर आई। वो हाथ पांव चलाने लग गई यार, झपटे मारने लग गई। थोड़ी देर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, उसके बाद सब शांत हो गए, सब अपने अपने घर चले गए, मैटर क्लोज हो गया, सभा समाप्त। अब सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया था, सब कुछ एकदम ठीक लग रहा था। लेकिन असली सीन तो अब हुआ। रात को मम्मी ने देखा कि उनके गले की गोल्ड चेन गायब है। इसके बाद 1-2 घंटे पूरा घर आस पड़ोस सब जगह छान मारा, गोल्ड चेन कहीं नहीं मिली। एंड फिर थक हार के हमने एक्सेप्ट कर लिया कि वो गोल्ड चेन गई एंड अब नहीं मिलने वाली। लेकिन थोड़ी देर में एक फोन आता है, 8 नंबर वाली आंटी जो सपोर्टिंग रोल में है उनका फोन आता है कि मैंने देखा कि आप कुछ ढूंढ रहे थे नीचे, आपकी कोई चेन मिसिंग है। तो मम्मी ने कहा हाँ जी मेरी ना गोल्ड चेन जो है वो मिसिंग हो गई है। तो 8 नंबर वाली आंटी कहती है हाँ जी वो शाम को जब आपका 4 वाली के साथ हो रहा था ना तो मैं ऊपर से देख ही रही थी, शायद ना झपटा झपटी में आपके गले से चेन गिर गई होगी, तो वो 25 वाले भाई साहब ने बहुत ही चालाकी से अपने पैर से अपनी तरफ खिसकाई, आराम से उठाई, उंगली पे घुमाई और अपनी शर्ट की ऊपर वाली पॉकेट में डाल ली। लो जी चोर पकड़ा गया। लेकिन अब क्या करे, सीधा जाके उसको बोले कि तूने चेन चोरी करी है और चेन दे दे। यार अब ऐसे तो कोई मानेगा नहीं कि उसने चोरी करी है। तो मेरे दादाजी माय लेट ग्रैंडफादर, उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। अब हर शाम को अंकल लोगों की सभा तो लगती है, तो वहां पे सारे अंकल इकट्ठे होते हैं, वहां पे मेरे दादाजी जाते हैं और कहते हैं वो कल ना बहू की चेन गिर गई थी, तो जिसने चुराई ना हमें पता है किसने चुराई है, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना ऐसे अपार्टमेंट में बदनामी हो, हमने देखा है कि उसने चेन अपने पैर से खिसकाई, उसके बाद उंगली पे घुमा के अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रख ली, सब पता है हमें, हम पुलिस के पास भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, अपार्टमेंट में बदनामी होगी। एंड बाय द वे इस सभा में 25 वाले अंकल भी बैठे थे, तो उन्होंने ये सारी बातें सुनी। ये सुनने के बाद
2025 वाले की तो पैंट गीली हो गई होगी। गीली वो तो उसका तो भैया दिल आ गया होगा मुंह में, उसको तो पता चल गया होगा कि मैं गया। अब इसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। दादाजी ने क्या करा, जो हमारे घर के दो दरवाजे होते हैं, एक लकड़ी का और एक लोहे का, लकड़ी वाला दरवाजा बंद कर लिया लेकिन लोहे वाला दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। माय ग्रैंडफादर, उनकी थिंकिंग ये थी कि चोर को एक मौका देना चाहिए, अगर हम सीधा उसको पकड़वा देंगे तो अच्छा नहीं होता, बदनामी होगी, बेइज्जती होगी उसकी बहुत ज्यादा, तो एक मौका देना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने लोहे वाला दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। एंड गेस व्हाट, आधे पौने घंटे के बाद वो लकड़ी और लोहे के दरवाजे के बीच में जो थोड़ी सी जगह छोड़ी थी ना, वहीं पे वो चेन पाई गई। जी हाँ, चोर को एक मौका दिया एंड चोर ने अपनी गलती मानी, पश्चाताप किया और चेन वापस लौट आ गया। एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि 25 नंबर वाले अंकल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है आप ही चोर थे, लेकिन इट्स ओके, इंसान ही गलतियों का पुतला है, इंसान से ही गलतियां होती है, कोई नहीं, आपने अपनी गलती मान के चेन वापस दे दी, दैट इज गुड। तो ये थी आज की स्टोरी टाइम वीडियो, एक चोरी ऐसी भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। आज एम रख लेते हैं 70,000 लाइक्स का, अगर 70,000 लाइक्स हो जाते हैं तो अगले ट्यूसडे को नई स्टोरी टाइम वीडियो आ जाएगी। कमेंट्स में मेरे को बताना अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो। अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।